ये रहा वेलकम, ये टूट चुका है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो भाई लोग, होप कि सब ठीक ठाक हो। तो गाइस, आज का वीडियो शुरू होता है सीधा डॉक्टर गैरेज से। मैं आज अपना बाइक का व्हील कवर लगाने वाला हूँ फ्रंट साइड का, और मैं बैक साइड का भी लगाऊंगा क्योंकि मेरा बैक साइड का जो है वो टूट चुका है। देखो गाइस, ये टूट चुका है क्योंकि मैंने कुछ गलतियाँ की थी इसको बनाने के टाइम में। तो क्या क्या गलतियाँ की थी वो मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में। तो और मैं ये भी दिखा देता हूँ, फ्रंट साइड का लगाने वाला हूँ आज, ठीक है। और पीछे इस साइड का तो ठीक ही है अभी तक, और इसका स्क्रू देख सकते हो ये निकल चुका है, और इस साइड का टूट चुका है। तो गाइस, पहला गलती जो है ना वो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। जो इसको फिट करने के लिए स्क्रू डाला जाता है ना, तो स्क्रू डालने के टाइम में मैंने एक गलती की थी। तो गाइस, ये रहा व्हील कवर। जब इसको नोट लगाने के लिए छंदा किया जाता है ना, जब छंदा करोगे इसको होल करोगे ना, तब इसको एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि आपका जो रिंग है, रिंग का ये जो निकला हुआ है लोहा, ये बीच में ना जाए। अगर बीच में आप मेजरमेंट करके अगर होल नहीं करोगे तो लगाने के टाइम में बहुत दिक्कत होगा, जिसकी वजह से मेरा ये टूट गया पीछे का, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये देखो, मेरा पूरा रैपिंग उठ रहा है, क्यों पता है? क्योंकि ये इधर लग रहा है। मैंने जो स्क्रू लगाया था, ये स्क्रू हम लोगों को इस डिश से थोड़ा बाहर लगाना है, तो मैंने तो लास्ट टाइम बहुत अंदर लगा दिया था, अभी इसको स्क्रू थोड़ा बाहर लगाऊंगा, ठीक है। कम से कम इधर तो लगाऊंगा तो नहीं लगेगा, ये देखना। तो इतना ऊपर होने से काफ़ी है, नहीं तो मैंने लास्ट टाइम बहुत नीचे कर दिया था जिसकी वजह से इधर लग रहा था, ठीक है। और स्क्रू का साइज़ थोड़ा छोटा लेना है, और आप जब होल करोगे ना स्क्रू के लिए, तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखना, पहले इसका मेजरमेंट ले लेना, नहीं तो अगर स्क्रू पूरा साइड में लगा दिया तो मेरे जैसा टूट जाएगा आप लोगों को भी। तो अभी पहले इसका जो हवा डालने के लिए पहले एक छेंदा कर लेते इधर, इसके बाद हम लोग स्क्रू उसका साइज से लगाऊंगा। तो गाइस, मैंने मेजरमेंट ले लिया मैं अपना बाइक का हिसाब से, तो आप भी आपका बाइक का हिसाब से ही लेना, ठीक है। तो आपका बाइक का जो रिंग है, रिंग का ये देख लेना कहाँ गिरता है, नहीं तो अगर आप स्क्रू लगाओगे अंदाज से तो मेरा जैसा आप लोगों का भी टूट जाएगा। ये देखो, मेरा एक महीना भी नहीं गया, मेरा टूट गया। तो अभी इसको फिर से चेंज करूँगा। अभी तो अभी बनके रेडी है हमारा व्हील कवर, अभी इसको बस रैपिंग करना बाकी है, और एक होल करना है इधर। मैंने मेजरमेंट पहले ले रखा था हवा डलवाने के लिए। गाइस, आप बनके तैयार है हमारा व्हील कवर, अब बस रैपिंग करना बाकी है। देखो, ये होल बना दिया मैंने। और गाइस, आप लोगों को तो पता ही है मैंने व्हील कवर को किस चीज़ से काटा था, अगर नहीं पता है तो मेरा लास्ट वीडियो जाके देख लो, उधर मैंने पूरा डिटेल्स में बना के रखा है। ये शीट कहाँ मिलेगा और इस शीट का नाम क्या है, तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। इस शीट का नाम है SCP शीट, आप लोगों को हार्डवेयर दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर हार्डवेयर दुकान में नहीं मिलता है तो हार्डवेयर दुकान से पूछ लेना, वो लोग बता देगा कि कहाँ मिलता है। और इस शीट का नाम है, फिर से बता रहा हूँ, SCP शीट, क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो में बहुत लोग पूछ रहा था कि इस शीट का नाम क्या है, कहाँ मिलेगा, तो भाई इसके लिए मैंने फिर से बता दिया। और मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो बना के रखा था जब मैं इसको कटिंग कर रहा था, कि मैं डाल दूंगा आज, आप लोग देख लेना किस चीज़ से काटा जाता है इसको। तो गाइस, आज फिर से बना रहा हूँ व्हील कवर NS 160 का। जो मेरा बचा हुआ पीस था वो मेरे भाई को दे दिया, क्योंकि वो भी लगाएगा बोल रहा था पीछे टायर में। तो भाई ये देखो, फिर से प्रोसेसिंग चल रहा है कैसे बनाता है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कैसे बनाता है, मेजरमेंट कैसे लेता है। तो ये देखो, मेरा भाई ने कभी दिखा भी नहीं, मेरा वीडियो भी नहीं देखा हुआ आज तक, लेकिन वो देखते ही समझ गया कैसे बनाता है, ठीक है। अभी सीधा बाइक मिलते हैं और जाते हैं रैपिंग कराने के लिए इसको, इसके बाद इसको फिट करेंगे। भाई, बाइक बहुत ही गंदा हो रखा है, देख सकते हो, क्योंकि कल हम संडे रख गया था ना, तो आज आते वक्त ऐसा गंदा हो गया। अभी जाऊंगा पहले इसको वॉश कराऊंगा, वॉश कराने के बाद व्हील कवर फिट करूंगा इसमें। ये देखो भाई, Yeah.
क्या चीज मिला लगा रहा है? मिस्त्री नहीं है इसलिए हम लोग खुद लगा रहा है, देख रहे थोड़ा उल्टा सीधा तो हो ही जाएगा क्योंकि एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट है ना। हो जाएगा तो गाइस ये देखो व्हील कवर और रेस्टोरेंट पहले ऐसा दिखता था अभी कुछ ऐसा दिख रहा है थोड़ा रैपिंग करने के बाद, वो तो रैपिंग करने से पहले ठीक है। सो गाइस अभी जो टूट गया इसको रिप्लेस करेंगे नया वाला से। तो अभी बाइक देखो पूरा खुल गया। सो गाइस मेरा बाइक का फाइनल लुक्स ये रहा आप लोगों के सामने। दोनों हैंडमेड है आप लोगों ने देखा, अगर आप लोग भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो हैंडमेड।